सबसे पहले जो पोषण स्तर का जो पदानुक्रम होता है वो पोषण स्तर एक, पोषण स्तर दो और पोषण स्तर तीन, पोषण स्तर चार का होता है। पिछले क्लास में हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, इसके आगे की बातें हम लोग क्या करेंगे इसमें जानेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो पोषण स्तर एक में क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। पोषण स्तर दो में क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जिनको कि प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। पोषण स्तर तीन में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और पोषण स्तर चार में तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पोषण स्तर एक, पोषण स्तर दो, पोषण स्तर तीन और पोषण स्तर चार, 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, ह्रास होता है। एक पोषण से दूसरे पोषण में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। उत्पादकों में जैसे कि घास, वनस्पति सब आएंगे जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ताओं में हिरण, जो कि पोषण स्तर एक को खाने का प्रयास करेंगे, उसका उपभोग करेंगे। द्वितीय उपभोक्ताओं में आएगा शेर, ठीक है, ये किसको खाएगा, हिरण को। और जो सर्वाहारी होते हैं, द्वितीयक सामान्यतः मांसाहारी होते हैं और तृतीयक क्या होते हैं, सर्वाहारी, जैसे कुत्ता, मनुष्य, ठीक है, ये सब किसी में आएंगे, तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आएंगे। इनका भोजन जो होगा वह प्राथमिक उपभोक्ता भी होंगे और द्वितीयक उपभोक्ता भी होंगे और उत्पादक भी होंगे, मतलब पोषण स्तर एक, दो और तीन, तीनों का ये उपभोग करते हैं। क्लियर है इतना। पोषण स्तर की बात के बाद हम लोग आहार श्रृंखला की बात करेंगे, ठीक है। आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। देखिए, जब पदानुक्रम चलता है पोषण स्तरों में, जब पोषण स्तरों में पदानुक्रम चलता है तो आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, आहार श्रृंखला का। तो एक के बाद एक आहार का उपभोग करना जिससे कि एक पदानुक्रम बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला में क्या होता है कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, ठीक। मतलब आहार श्रृंखला में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है, और इस प्रकार से जो श्रृंखला बन जाती है उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है। अब बात करेंगे आहार जाल की। जब फूड वेव, आहार जाल, जब फूड चेन अत्यंत जटिल हो जाता है, जब फूड चेन अत्यंत ही जटिल हो जाता है तो आहार जाल का निर्माण होता है, फूड वेव का निर्माण होता है, ठीक ना। जब आहार श्रृंखला बहुत जटिल हो जाए, बहुत जटिल होने का मतलब जैसे देखिए घास, ठीक है, घास को टिड्डा खाता है ना, इसको थोड़ा सा जटिल बना देते हैं। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को कोई पक्षी खा रही है, पक्षी को क्या कर रहा है, पक्षी को कोई और खा रहा है पकड़ करके, ठीक है, जैसे सांप खा लेता है, ठीक ना, और सांप को कोई और खा रहा है, मोर खा ले रहा है, बात समझ में आ रही है। मोर का शिकार मान लीजिए कि मानव कर रहा है। तो इस प्रकार से जब खाद्य श्रृंखला, फूड चेन अत्यंत क्या हो जाए, जटिल हो जाए, तो जब फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जटिलता आ जाती है उसको बोलते हैं आहार जाल। अब जटिलता ये कैसे आती है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई ये घास है, ठीक ना, और घास का उपभोग कौन कर रहा है, हिरण, ठीक ना। घास का उपभोग और सीधे सीधे मानव भी कर रहा है, शाक भक्षी ना, शाक सब्जी का प्रयोग मानव भी कर रहा है,
अब हिरण को कौन खा रहा है? शेर। ठीक है, अब घास का उपयोग मानव कर रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम एक श्रृंखला और हम बनाते हैं, घास को खा रहा है कौन? बकरी। और बकरी को कौन खा रहा है? मानव। तो ये क्या है? फूड चेन है, आहार श्रृंखला ही है, लेकिन इस आहार श्रृंखला में क्या आ रही है? जटिलता आ रही है। यही आहार श्रृंखला क्या हो गया? जटिल हो गया ना भाई। तो जटिल हो गया, अब देखिए जहाँ पर हम सिर्फ एक श्रृंखला की बात कर रहे थे, अब वहाँ पर कई श्रृंखलाएँ हैं, मतलब जटिल हो गया। तो अब ये पूरा क्या कहा जाएगा? आहार जाल कहलाएगा। क्लियर है? अब जैसे देखिए घास पे एक और हम बना देंगे, अगर इस तरीके से घास पे कौन बैठता है? कीड़े मकोड़े है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनको खा रही है कौन? पक्षी। अब पक्षियों को कौन खा रहा है? मान लीजिए बहुत बड़ी पक्षी या मानव अगर उनका शिकार कर रहा है। तो इस प्रकार से यह एक खाद्य जाल, आहार जाल या फूड वेब का इस तरीके से क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए, जब हम ऊर्जा की बात कर रहे थे कि ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है और इस तरीके से जो श्रृंखला बनती है उसको आहार श्रृंखला कहते हैं, तो इसी के आधार पर चार्ल्स एल्टन थे। चार्ल्स एल्टन ने क्या किया कि पिरामिड की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी? पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहले होते हैं वह होते हैं जीव संख्या के पिरामिड। देखिए जीव संख्या के जो पिरामिड होते हैं, जीव संख्या का मतलब क्या है कि संख्या के आधार पर अगर हम खाद्य जाल को या फूड वेब को या फूड चेन को अगर हम पिरामिड से प्रदर्शित करें तो यह किस प्रकार का बनेगा? जो वन पारितंत्र होते हैं, ठीक है, जीव संख्या के पिरामिड में जो वन पारितंत्र होते हैं, वन पारितंत्र क्या होते हैं भाई? ये दोनों में आते हैं। किस में आते हैं? दोनों में। यह सीधे भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। सीधा और उल्टा वन पारितंत्र दोनों होता है, ठीक ना? और जो अगर देखिए जलीय तंत्र की बात करेंगे तो जलीय तंत्र अगर क्वेश्चन में पूछे कि जलीय तंत्र उल्टा होता है कि सीधा होता है, तो जलीय तंत्र की जो परिस्थिति होती है अगर उसको पिरामिड पर दिखाया जाए तो वह उल्टा होगा कि सीधा होगा? वह सीधा होगा, ठीक ना? बात समझ आ रही है? हाँ, समझ लीजिए इस चीज़ को, कन्फ्यूज नहीं होना है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की अगर हम बात करेंगे, इसको खा रही है बड़ी मछलियाँ और इन मछलियों को और खा रही है उससे बड़ी मछली, तो जो सीधा पारितंत्र है उसका उदाहरण क्या होगा? जली। क्लियर हुआ? एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। जल तंत्र में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनको खाती हैं उससे बड़ी मछलियाँ, ठीक, उन मछलियों की संख्या कम होती है। उन मछलियों को खाती हैं उससे बड़ी मछलियाँ, उनकी संख्या और कम होती है। तो जलीय तंत्र सीधा पारितंत्र का क्या हुआ? उदाहरण हुआ। कोई दिक्कत? अब वृक्ष पारितंत्र हमने आपको बताया था, वृक्ष पारितंत्र की अगर हम बात करें तो एक है भैया यहाँ पे पेड़, ठीक है, वृक्ष पारितंत्र, तो एक है पेड़ यहाँ पे, सिंगल है। इस पेड़ पे बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे नहीं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इस वृक्ष पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की पक्षियों की संख्या क्या हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है ना? ठीक है भाई, एक ही वृक्ष में बहुत सारी पक्षियाँ भी रह सकती हैं। हम वृक्ष की बात कर रहे हैं, वन की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल वृक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, सिंगल वृक्ष पे मान लीजिए कई पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया, पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, उस वृक्ष पर खाने के लिए सामान तो कम है ना? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा पारितंत्र में आएगा। क्लियर?
अब हमने आपको बताया था वन, अगर हम वन की बात करें तो वन पारितंत्र ऐसा पारितंत्र है जिसको आप सीधे में भी रख सकते हैं और उल्टे में भी रख सकते हैं, ठीक है। वन में कई पेड़ हो जाएगा तो सबसे पहले नीचे यहाँ आ जाएगा, कई पेड़ हो जाएगा, ठीक। अगर उस वन से एक वृक्ष को उठा के बाहर कर देंगे तो ये उल्टा पारितंत्र में आ जाएगा। तो वन पारितंत्र जो होता है, वन पारिस्थितिकी क्या होती है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के पिरामिडों में आती है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, जलीय पारितंत्र सीधा होता है, वृक्ष पारितंत्र उल्टा होता है, वन पारितंत्र किस में आता है, दोनों में आता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। देखिए ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं, ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि ऊर्जा का पिरामिड, ठीक ना, सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा, और इस पे 10% का नियम लागू होता है, ठीक। ऊर्जा का पिरामिड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है और इस पर 10% का नियम लागू होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक ना। इसके बाद आता है जीव संख्या का पिरामिड, अब वो जीव भार का, ठीक ना, क्या आएगा समझ लीजिए उसको, जीव भार का पिरामिड, जो जीव भार का जो पिरामिड होता है, जीव भार के पिरामिड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जीव भार के पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन इसका अपवाद है क्या, तालाब। अंतर समझिएगा, हमने आपको जीव संख्या के पिरामिड को बताया कि जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उसमें जलीय तंत्र आता है, तालाब वगैरह आते हैं और ये सीधा होता है, तो संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेट के आधार पर बात करेंगे, भार के आधार पर बात करेंगे, तो जो तालाब जो जलीय तंत्र होगा वह पिरामिड, अगर हम जीव भार के पिरामिड की बात कर रहे हैं तो उल्टा होगा और बाकी सब के सब क्या होंगे, तालाब सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा और बाकी सब के सब क्या होंगे, सीधे होंगे। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप और समझ लीजिए, एक टर्म है इकोटोन, क्या है इकोटोन, एक पारिस्थितिक तंत्र से जब दूसरे पारिस्थितिक तंत्र का संबंध होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र से जब दूसरे पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है, संबंध होता है, तो उनके बीच का जो संक्रमण जोन होता है, जो उनके बीच की जो पारिस्थितिकी निकल करके सामने आती है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। भाई एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से डायरेक्टली अलग तो नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई संक्रमण जोन होगा ना, तो उसी संक्रमण जोन को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या हो रहा है भाई, वाष्पीकरण हो रहा है, सागर से जल का वाष्पीकरण हो रहा है और यह जा करके किसका निर्माण कर रहा है, बादलों का, ठीक ना। बादलों का क्या हो रहा है, यहाँ पर संघनन हो रहा है और संघनन के फलस्वरूप क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ये क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर है भाई साहब पेड़ पौधे हैं, क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और छोटी छोटी घासें हैं ये सब, ठीक। अब यहाँ से कुछ वाष्पीकरण भी हो रहा है, पेड़ पौधों से भी तो वो वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको भाई, वाष्पोत्सर्जन भी तो हो रहा है, पेड़ पौधों से क्या हो रहा है, डायरेक्टली वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और बाकी पानी नदियों के माध्यम से बह करके कहाँ जा रहा है, सागर में वापस जा रहा है, तो पानी वापस सागर में जा रहा है, सागर से जल का वाष्पीकरण हो रहा है, फिर ये बादल बन रहा है, बादल का फिर कंडेंसेशन हो रहा है, तो संघनन होके के ये क्या हो रहा है, बारिश के रूप में और हिम के रूप में क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये पहाड़ अगर बना दिए जाएँ तो पहाड़ों पर क्या है,
हिम के रूप में ये वर्षण हो रहा है। जब सूर्य का प्रकाश लगता है तो ये हिम भी पिघलते हैं और पिघल करके नदियों के माध्यम से सागर में चले जाते हैं। जो वर्षा का जल होता है वो सीधे नीचे गिरता है और बहकर के नदियों के जल में चला जाता है। जो पौधे क्या करते हैं, वर्षा के जल को सोख लेते हैं, ठीक है, वो फिर उसका वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से। तो अपनी पत्तियों के माध्यम से उसका वाष्पोत्सर्जन भी वो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन फिर ये जो क्रिया लगातार चल रही है इसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं, ठीक, वाटर साइकिल है, यही क्या है, जल चक्र है, ठीक। इसमें की कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए भाई, वो क्या है, 97.2% जो जल है पृथ्वी पर वो कहाँ पे है, महासागरों में है। 97% जल कहाँ है, महासागरों में, जो खारा है पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य जल है वह मात्र 3.8% है। पीने योग्य जल कितना है, हाँ, स्वच्छ जल 3.8% है। इसमें से भी आप ध्यान देंगे 3.8 नहीं, ये 2.8, ठीक ना, तो ये 3 और ये 2, ठीक। इसमें से भी 2.15% जो जल है वह जमा है किसके रूप में, हिम के रूप में। और इसमें से भी 0.62% जो जल है यह क्या है, भूमिगत है, और यही निकाल के हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। और इसमें से भी 0.03% जो जल है वह झीलों और नदियों में है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, 97.2% जल कहाँ है, महासागरों में है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जो जल है वो मात्र 2.8% है, लगभग 3% आप इसको कह सकते हैं, जिसमें से 2.15% आपका हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है पहाड़ों पे, और 0.62% जो जल है वो भूमिगत है, ठीक है, और 0.03% जो जल है वो झीलों में है और नदियों में है। क्लियर हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि जल को बचाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। महासागरों में जो जल है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या, जल ही है, लेकिन वह पीने योग्य नहीं है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन चक्र की। देखिए कार्बन चक्र यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। वायुमंडल से हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे कर रहे हैं, और वो पौधे क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन बना रहे हैं। अपना भोजन उन्होंने बनाया और उनके बनाए गए भोजन को, साग सब्जियों को हमने खाया, दूसरे जानवरों ने खाया, तो वह कार्बन हमारे अंदर भी आ गया। अब उस दूसरा वो जानवर क्या करता है, उस जानवर को कोई दूसरा जानवर, जैसे हिरन को शेर खा रहा है, कार्बन उसमें भी ट्रांसफ़र हुआ, कार्बन हम लोगों में भी ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। हम लोग कार्बन को रिलीज करते हैं सांस द्वारा, ऐसे नहीं रिलीज होता है, तो जब मरते हैं तो मरने के फलस्वरूप जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है, और कार्बन वापस से क्या होता है, वायुमंडल में मिल जाता है, कोई दिक्कत। इस तरीके से लगातार कार्बन का ये चक्र चलता रहता है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में, जो नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, लगभग 78% के आसपास हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, नाइट्रोजन हमारे काम ऐसे ही नहीं आ जाता है। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जिसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली सूंघ नहीं सकते, अपने अंदर नहीं ले सकते, तो तब कैसे हमको नाइट्रोजन मिलता है भाई। तो वायुमंडल में जब बारिश होती है और बिजली का चमकना होता है, बारिश और बिजली का चमकना, उस बारिश और बिजली के चमकने से जो स्पार्किंग होती है, ठीक है, उस स्पार्किंग से नाइट्रोजन क्या होता है, पानी H2O से N जो है, नाइट्रोजन N2+ क्या होता है, H2O से क्रिया करता है,
और क्रिया करके या जल के द्वारा पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है। और जब धरातल पे आता है तो धरातल पर आने के बाद क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वह नाइट्रोजन को सोखती हैं। पौधों को तो भाई नाइट्रोजन चाहिए ही, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधों में आएगा तो नहीं, कैसे आएगा? बारिश जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन क्या करता है कि जल से H2O से क्रिया करता है और धरातल पे आ जाता है। पौधों की जड़ों के माध्यम से वह पौधों में चला आता है, ठीक, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और उस पौधे को हम खा रहे हैं, दूसरे जानवर खा रहे हैं, खा के चाहे वो पौधा अगर सड़ जाता है तो उससे दुर्गंध आने लगती है, अमोनिया महकने लगता है, ठीक है, या जो भी हम लोग का निक्षेप होता है, ठीक है, इन सब से अमोनिया जनरेट होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमोनिया का बनना, ठीक है। तो जब अमोनिया जनरेट होती है तो अमोनिया फिर से वापस जनरेट होकर के कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है, वो NH3 होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। जैसे सार्वजनिक शौचालयों के पास देखिए, ठीक है, या जो टॉयलेट वगैरह वाशरूम होते हैं वहाँ देखिए, वहाँ जो गैस महकती है वह नाइट्रो अमोनिया होती है, वहाँ जो गैस महकती है वह गैस क्या होती है? अमोनिया होती है, ठीक। वह अमोनिया फिर ऐसे महकती है और वायुमंडल में क्या होती है? वापस से मिल जाती है। जब अमोनिया हमारे अंदर से ख़त्म होता है, जब नाइट्रोजन हमारे अंदर से ख़त्म होता है तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर से नाइट्रोजन ख़त्म होकर के और फिर वायुमंडल में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन जब आ रहा है तो नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन जब रिलीज हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन। तो कुल मिला जुला के 4-5 प्रोसेस होता है। बिजली चमकती है, कड़क बारिश वगैरह होता है, उससे अमोनिया आई और धरती मिल गई। धरती से पौधों ने उसे क्या कर लिया? सोख लिया। पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में आई। हमने क्या किया? हम जब मरे या सड़े गले तो वो हमसे फिर बाहर निकल के फिर वायुमंडल में चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चक्र चलता है उसको बोलते हैं क्या? नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे किसको? बायोम को, ठीक है, कि बायोम या जीवोम क्या होता है। संपूर्ण जैव मंडल में अगर हम किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं तो जैव मंडल के सारे तत्व उस पार्टिकुलर क्षेत्र में होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोम या जीवोम बोलेंगे, ठीक। इसमें जैविक, अजैविक और ऊर्जा सारी चीज़ें आती हैं। यह कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? बायोम या जीवोम बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, अच्छा एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे ये हमने बनाया पृथ्वी, और ये पूरा तंत्र क्या है? जैव मंडल का पूरा क्या है? जैव मंडल है। तो अब इस जैव मंडल में अगर हम बात करें तो जंगल है, धरातल है, पहाड़ भी हैं, ठीक, सागर भी है, इसमें सारे जीव जंतु क्या कर रहे हैं? निवास किए हुए हैं। तो यह पूरा एक क्या है? जैव मंडल है, ठीक ना। तो अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो इसी छोटे से हिस्से को क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। और बायोम से छोटा हिस्सा किसका होता है? पारिस्थितिकी का होता है, ठीक। अब आते हम लोग सीधे आते हैं बायोम के प्रकारों पर, कि बायोम के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रों के आधार पर, जलवायु कटिबंधों के आधार पर कई प्रकार के बायोम को बांटा गया है, जैसे कि टुंड्रा बायोम, टुंड्रा रीजन है, ध्रुवों के पास का, ध्रुवों के पास का ये जो रीजन है ये क्या है? टुंड्रा रीजन है। उसके बाद का जो है वो टैगा होगा, टैगा बायोम, जलवायु के आधार पे उस जलवायु के बाहर की कोई भी चीज़ उससे डिफरेंट नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ अगर एप्पल नहीं हो रहा है, एप्पल दूसरे बायोम का है, उसकी उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसको उसका जो जलवायु कटिबंध है वो दूसरा है, तो एप्पल यानी कि सेब हमारे यहाँ नहीं हो सकता, नारियल हमारे यहाँ नहीं हो सकता, रसदार फल हमारे यहाँ नहीं हो सकते। जैसे जो भूमध्य सागरी जलवायु होती है, भूमध्य सागरी जलवायु किस प्रकार की जलवायु है?
गर्मी में बारिश नहीं होती, ठीक है। ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, शीतकाल आर्द्र होता है। शीतकाल में बारिश होती है भूमध्य सागर के आसपास, तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागरी जलवायु, या उसी को बोलते हैं रूम सागरी जलवायु। ये जलवायु फेमस है रसीले फलों के लिए, अंगूर, आम। ये जलवायु किसके लिए फेमस है? रसीले, रसीले फल इस जलवायु में बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधों का अपना बायोम है और उष्ण कटिबंधों, कटिबंधों के आधार पर टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधी बायोम क्षेत्र, ठीक ना। अब टुंड्रा बायोम में आर्कटिक टुंड्रा का रीजन है, ये वाला हमने बताया। आर्कटिक टुंड्रा का रीजन कैसा है भाई? वहाँ वनस्पति हमें देखने को नहीं मिलती है, चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। लेकिन अगर चारों तरफ बर्फ है तो क्या उसमें जीवन नहीं है? है, ध्रुवी भालू पोलर बियर वहाँ हैं, वहाँ भी इंसान हैं, वहाँ भी मछलियाँ हैं, वहाँ रेंडियर हैं। रेंडियर का मतलब ऐसे कुत्ते जो स्लेज गाड़ियाँ खींचते हैं। वहाँ जनजाति रहने वाली एस्किमो, तो वो तो इसी बायोम में रह रही है ना, आर्कटिक टुंड्रा रीजन में रह रही है। तो हर बायोम में अपनी अपनी पारिस्थितिकी होती है, ठीक है। तो बायोम के प्रकार, पतझड़ बायोम, जैसी जलवायु ऐसे क्षेत्र जहाँ कि जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पतझड़ बायोम हो जाएंगे। कुछ सवाना मरुस्थली बायोम हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ घास क्षेत्र के भी बायोम, जैसे सवाना, वेल्ड, पंपाज, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स घास के मैदान हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग स्थानों के आधार पर ही बायोम विकसित होते हैं, क्लियर। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो इनके अंदर की भी जो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है, जैसे सदाबहार वर्षा वन बायोम, सदाबहार वर्षा वन बायोम की बात करेंगे तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक है, ठीक है। इसका औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है? सदाबहार वर्षा वन बायोम मतलब कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अब तक इतना ही था, फिजिकल ज्योग्राफी की ये लास्ट क्लास थी, ठीक ना, और संपूर्ण फिजिकल ज्योग्राफी अभी क्या हो गई? खत्म हो गई। जैव भूगोल, ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ रहे थे? जैव भूगोल में, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके तीन पार्ट थे, लिथोस्फेयर का पार्ट यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा यानी कि जलवायु विज्ञान, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओशिनोग्राफी। ये तीन मुख्य भाग थे और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बायो जियोग्राफी को यानी कि जैव भूगोल को यानी कि पर्यावरण भूगोल को पढ़ा, ठीक ना। तो इन सभी विषयों को भी अब अलग अलग व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर गहराई से हम लोग क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अगर पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना हो, पूरे ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से पूरी चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं।